नमस्कार, आप देख रहे हैं न्याय टीवी। कोरोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 23 जून को उड़ीसा में होने वाली जगन्नाथपुरी वार्षिक रथ यात्रा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर हमने इस साल रथ यात्रा स्थगित नहीं की तो भगवान जगन्नाथ हमें माफ नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के बारे में चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन से सभी संगत जानकारियां हासिल करने के लिए भारत सरकार को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है। डॉक्टर्स फॉर यू नामक संगठन ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट अभिषेक सिंह के माध्यम से याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत पूर्व प्रभावी इस अधिनियम के संशोधन से पहले हुए अपराध के लिए मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। गुजरात हाईकोर्ट ने जाति आधारित मतभेदों के कारण पत्नी के परिवार से अलग हो चुके एक जोड़े को राहत दी और ऐसी घटनाओं का सामाजिक प्रभाव बताते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं प्रशासन के लिए इस सामाजिक और भावनात्मक उथल-पुथल को संभालना बेहद कठिन बना रही है, जो अंततः कानूनी आधार में बदल जाती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोगों का कोविड-19 का मुफ्त इलाज करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की। साथ ही याचिकाकर्ता पर राज्य को दे 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र के 3 अलग अलग जेलों के 4 कैदियों की मौत हो गई और इनकी मौत के बाद इकट्ठा किए गए स्वैब सैंपल से पता चला कि ये सब कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के 8 जून के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में सरकारी अस्पतालों से शवों को निकालने से पहले कोविड-19 टेस्ट का निर्देश दिया गया था। दिल्ली के अस्पतालों की अव्यवस्था पर सच्चाई लिखने या वीडियो के माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर की हालत दिखाने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सही सूचना देने वाले को गोली नहीं मार सकते, डॉक्टरों को अपनी ड्यूटी करने दे। वायरस से लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों को बेहतर सुविधाएं देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश दिया है कि केंद्र सरकार डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के भुगतान, उचित आवास और क्वारंटीन के लिए शुक्रवार तक आदेश जारी करे। केंद्र और राज्य सरकारें उनके वेतन के भुगतान को सुनिश्चित करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2487 सब इंस्पेक्टर नियुक्त करने की उत्तर प्रदेश सरकार की मांग ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के आवेदन, जिसमें 20 साल से अधिक समय में AGR से संबंधित बकाया का निपटान करने की अनुमति लेने की मांग की गई है, उस पर विचार करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को अपने वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बने रहें न्यायटीवी.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर हमें देखने के लिए लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचती रहे।